हेलो दोस्तों, आप सबको राधे राधे। आज हम बना रहे हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी। बैंगन बहुत हेल्दी होते हैं और सर्दी गर्म होते हैं, सर्दियों में ज़रूर खाने चाहिए। देखो, मैंने ये दो बैंगन लिया है, इसको इस टाइप से छीला है, आधे बीच में से कट करके, और तीन चार मैंने आलू लिए हैं। इसको पानी में रखना चाहिए, नहीं तो काले हो जाते हैं। इस टाइप से बैंगन की सब्जी बहुत टेस्टी बन। इसके लिए मैंने दो प्याज लिए हैं, तीन टमाटर लिए हैं, ये मैंने अदरक लिए हैं, धनिया लिया है, दो हरी मिर्ची लिए हैं, लहसुन मैंने नहीं यूज़ किया है। देखो दोस्तों, सबको हमने छोटा छोटा कट कर लिया है, आप चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो, और पूरे छीलना चाहो तो पूरे भी छील सकते हो। और कई लोग ये स्टेम डालते हैं, कई नहीं पसंद करते खाना, तो आपने इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी लगती है। देखो, हमने ये प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक सब इकट्ठा काट लिया है, और ये हमने टमाटर की आंखें फोड़ दी हैं, आप भी ज़रूर फोड़ें। अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे। तेल गरम हो गया, मैं इसमें जीरा डालूंगी और सारा मसाले इकट्ठे डालूंगी। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी रेसिपीज बहुत इजी होती हैं, कम समय में बनती हैं और गैस ज़्यादा वेस्ट नहीं होती, और सब्ज़ी में टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है कि आप कटोरियाँ भर भर के खाओगे। देखो दोस्तों, हमारा जीरा और साबुत धनिया तड़क गया है, अब मैं सारे मसाले इकट्ठे डालूँगी। इसको मैं भूनूंगी नहीं, इसी के साथ मैं सब्ज़ी भी डाल दूँगी। ये मैंने आधा चम्मच लाल मिर्ची डाली है, मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से डाले हैं। छोटा चम्मच मैंने आधा हल्दी का डाला है, ये भर के चम्मच मैंने नमक डाला है। अब अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें, देखो हमारी सब्ज़ी कितनी सुंदर लग रही है, कलरफुल लग रही है, और बहुत ही टेस्टी बनती है ऐसे, आप चावल के साथ, पराठे के साथ। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, पूड़ी के साथ कैसे भी खा सकते हो। अब मैं इसको 5-7 मिनट के लिए ढक दूँगी। और मैंने सूखा धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला में लास्ट में डालना चाहिए, उससे उसकी खुशबू अच्छी आती है और टेस्टी बनती है सब्ज़ी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। देखो दोस्तों, हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है, देखो कितनी अच्छी बनी है। आप इसको चावल के साथ, पराठे के साथ कैसे भी खाएं। अब मैं इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डालूंगी और थोड़ा मैं धनिया डालूंगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, और आलू बैंगन की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें एक बार। और ओपन में बनाना चाहिए, कुकर में नहीं बनानी चाहिए, जहाँ तक तो कोशिश हो कुकर में ना बनाएं, ओपन में बनाएं। ओपन में सब्ज़ी बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी बनती है। देखो दोस्तों, आप इसको चावल के साथ खाएं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें। आप सबको राधे राधे, और टेस्ट करके ज़रूर बताएं कि कैसे ये, आप भी खाइए आलू बैंगन की सब्जी और राइस मूली और प्याज के अचार के साथ। आप सबको फिर से राधे राधे, टेक केयर।